ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा वावा, मीठे मीठे मुरली सुनाकर जीवन मीठा बना रहे हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हें बाप समान मुरलीधर जरूर बनना है। मुरलीधर बच्चे ही बाप के मददगार हैं, बाप उन पर ही राजी होता है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, किन बच्चों की बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है? बाबा कहते हैं, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर सच्चे फिलैंथ्रोपिस्ट बनते हैं, होशियार सेल्समैन बन जाते हैं, उनकी बुद्धि बहुत बहुत निर्माण हो जाती है। सर्विस करते करते बहुत रिफाइन हो जाती है। दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए। हमेशा बुद्धि में रहे कि शिव बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं, शिव बाबा की याद रहने से कल्याण हो जाएगा। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बाबा कहते हैं, सिर्फ मात पिता वाला गीत सुनने से नाम सिद्ध नहीं होता है, पहले शिवाय नमः का गीत सुनकर फिर मात पिता वाला सुनने से नॉलेज का पता पड़ता है। मनुष्य तो मंदिर में जाते हैं, लक्ष्मीनारायण के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, सब के आगे तुम मात पिता हम बालक तेरे कह देते हैं, बिगर अर्थ। पहले शिवाय नमः वाला गीत सुनाए, फिर मात पिता वाला सुनाने से महिमा का पता पड़ता है। नया कोई भी आए तो यह गीत अच्छे हैं समझाने के लिए और ये समझने में सहज होता है। बाबा कहते हैं, बाप का नाम ही है शिव, ऐसे तो नहीं कहेंगे शिव सर्वव्यापी है, फिर तो सबकी महिमा एक हो जाए। उनका नाम ही है शिव, दूसरा कोई अपने पर शिवाय नमः नाम रख ना सके। उनकी मत गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है, देवताओं से भी न्यारी है। यह नॉलेज सिखलाने वाला मात पिता ही है। सन्यासियों में तो मात पिता नहीं है, इसलिए वो राजयोग सिखला ना सके। भगत ने शिवाय नमः तो कोई को भी ये कह नहीं सकते हैं, शिवाय नमः। देहधारी को शिवाय नमः थोड़ी कहेंगे, यह समझाने का है। परंतु तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, कहां अच्छे अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं। मियां मिट्ठू तो अपने को बहुत समझते हैं, इसमें दिल की सफाई चाहिए। हर बात में सच बोलना, सच हो कर रहना है, टाइम लगता है। देह अभिमान में आने से फिर फैमिलियरिटी आदि सब बातें आ जाती हैं। अभी ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम देह अभिमानी हैं, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा कहते हैं, नंबर वार है। कोई तो बहुत कपूत बच्चे हैं, मालूम पड़ जाता है कौन बाबा की सर्विस करते हैं। जब शिव बाबा के दिल पर चढ़े तब रुद्र माला के नजदीक हो और तख्त के लायक बने। तो बाबा कहते हैं, जैसे हो वैसे हो, और बच्चे जैसे हो वैसे हो संभालना ही है। नाम भी वाला बाप का ही होता है, यहां बाप का नाम तो वाला ही है, फिर शक्तियों का नाम वाला होता है। उनको सर्विस का अच्छा चांस मिलता है, दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जानी है। ज्ञान और भक्ति दिन और रात, सत्ययुग त्रेता दिन और वहां सुख है, द्वापर कलयुग है रात और वहां दुख है। सत्ययुग में भक्ति होती नहीं, कितना सहज है, परंतु तकदीर में नहीं है तो धारणा नहीं कर सकते। पॉइंट्स तो बहुत सहज मिलती है। मित्र संबंधियों के पास जाकर के समझाओ,
अपने घर को उठाओ। तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले हो तो बहुत सहज रीति से कोई को भी समझा सकते हो। सदगति दाता तो एक ही पारलौकिक बाप है, वही शिक्षक भी है, सदगुरु भी है, बाकी सब बरबर दुर्गति माए हैं। द्वापर से लेकर भ्रष्टाचारी पाप आत्माएं कलयुग में हैं, सतयुग में पाप आत्मा का नाम नहीं। यहां ही अजामिल गणिकाएं अहिल्लाएं पाप आत्माएं हैं, आधा कलप स्वर कहा जाता है, फिर भक्ति शुरू होती है तो गिरना शुरू हो जाता है। गिरना भी तो है जरूर, सूर्यवंशी गिरकर चंद्रवंशी बनते हैं, फिर गिरते ही आएंगे। द्वापर से सब गिराने वाले ही मिलते आए हैं, यह भी तुम अभी जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। साधुओं आदि को समझाने के लिए भी युक्तियां निकालते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनते नहीं है, अगर तकदीर में नहीं होगी तो क्या करें, पुरानी देह में अटक रहते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी देह से ममत तोड़ो, अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो पद भी ऊंचा नहीं पा सकेंगे। स्टूडेंट ऐसे थोड़ी चाहेंगे कि लास्ट में बैठे रहे हैं। मित्र संबंधी टीचर स्टूडेंट आदि सब समझ जाएंगे, इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है, यहां भी समझते श्रीमत पर नहीं चलते हैं। आजकल तो साधु समाज का बड़ा मान है। तुम लिखते हो बाप इन सब पर ही रहम करते हैं तो वो वंडर खाएंगे, आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा, तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे, प्रदर्शनी भी आती रहेगी, आखिरन कोई जागेंगे जरूर, सन्यासी लोग भी जागेंगे, जाएंगे कहां, एक ही हट्टी है, बड़ी इंप्रूवमेंट होती रहेगी, अच्छे अच्छे मित्र निकलेंगे समझाने के लिए जो कोई भी आकर पड़े। बाबा कहते जब भावरों को आग लगेगी तब मनुष्य जागेंगे, परंतु टू लेट। बच्चों के लिए भी ऐसा है, पिछाड़ी में कितना दौड़ सकेंगे, रेस में भी कोई पहले आहिस्ते आहिस्ते दौड़ते हैं, बिन की प्राइज थोड़ी को मिलती है, यह तुम्हारी घोड़े दौड़ के हैं। रूहानी यात्रा की दौड़ पहनाने के लिए भी ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। दौड़ी बाप को याद करो, यह भी ज्ञान है ना, यह ज्ञान और किसी को नहीं है, ज्ञान से मनुष्य हीरे जैसे बनते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं दिल से सदा सच्चा रहना है, सच बोलना है, सच होकर चलना है, देह अभिमान के वश स्वयं को मियां मिट्ठू नहीं समझना है, अहंकार में नहीं आना है, साक्षी होकर खेल देखना है, ड्रामा पर मजबूत रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, अवस्था सदा हर्षित रखनी है। तो आज बाबा हम बच्चे को वरदान दे रहे हैं, स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्व राज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भावा, जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी अर्थात कर्मेंद्र जीत हैं, वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं। स्वराज्य अधिकारी हैं, विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो चेक करो मन बुद्धि और संस्कार, जो आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा इन तीनों के मालिक हैं। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हो? कभी संस्कार अपनी तरफ खींच तो नहीं लेते हैं? स्वराज्य अधिकारी की स्थिति सदा मास्टर सर्वशक्तिमान है, जिसमें कोई भी शक्ति की कमी नहीं। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं सर्व खजानों की चाबी मेरा बाबा, साथ हो तो कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं,
मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर प्यार का सागर मीठा बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ साथी बनकर रहते हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन, मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन।